यार आंसर आप लोगों मैथमेटिक्स में 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आज बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिसेस यानी आव्यूह। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आव्यूह होता क्या है। जैसे मान लीजिए कहा जाए सुबह सुबह जब आप लोग स्कूल आते हैं तो ग्राउंड में बुलाया जाता है प्रेयर के लिए। तो प्रेयर के लिए हर क्लासों की अलग अलग लाइनें जब लगा दी जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज है कल्याण ने की स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट क्लास की लाइन, सेकंड क्लास की लाइन, थर्ड क्लास की लाइन और फोर्थ क्लास की लाइन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार साड़ी बन जाती है, आयताकार साड़ी बन जाती है। या फिर जब क्लास में आते हैं तो जब स्टूडेंट्स बैठते हैं तो उसमें रो में बैठते जाते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे ये हमने बैठाया इसमें यहां पे ये ऐसे बैठा दिया यार फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर इसी प्रकार ये ऐसे हम लोग जब बैठाते जाते हैं तो इससे भी देखते हैं कि एक आयताकार साड़ी बन जाती है, यानी कि ये जो आयताकार साड़ी बनती है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कि इसे ही आव्यूह कहा जाता है। तो अब इसके बाद ये तो हुआ आव्यूह के बारे में, अब आव्यूह की खोज कब और कैसे हुई। तो आव्यूह की जो खोज है वो ज्यामिति के अध्ययन और घूर्णन, संकुचन, परावर्तन आदि के द्वारा हुई। सबसे पहले ज्यामिति की जो खोज है, ज्यामिति की खोज ये जे जे सिलेस्टर ने किया था। सिलेस्टर सबसे पहले ज्यामिति की खोज मैथमेटिशियन जे जे सिलेस्टर ने किया था और ये 1850 में किया था, यानी 1850 में किया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, यानी कि ये तो हो गया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं या कैसे हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो अब इसके बाद आते हैं कि मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है। तो एक हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होगी। परिभाषा जैसे मान लीजिए यहां पे एक संख्या हमने ले लिया mn, mn संख्या में m पंक्तियों तथा n स्तंभों को आयताकार साड़ी में आयताकार साड़ी में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए तो इसे m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ये तो हो गई हमारी डिफिनेशन, यानी पहले हमने देखा कि एक सिंपल यानी व्यवहारिक रूप में मैट्रिक्स की डिफिनेशन पढ़ा। उसके बाद अब परिभाषा यहां पे मैथमेटिकली क्या हो जाएगी कि mn संख्या में m पंक्तियों तथा n स्तंभों को आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए तो उसे m क्रॉस n का आव्यूह कहा जाता है। ये हो गई यानी कि आव्यूह की डिफिनेशन। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका नोटेशन क्या होगा। अब यहां पे ले लेते हैं, मान लिया कि कोई एलिमेंट है यानी कि a1 a11, फिर इसके बाद a12 a13, फिर इसके बाद a21 a22, फिर इसके बाद आ जाएगा a23, फिर इसके बाद a31 a32 a33, यानी कि ये आयताकार सारणी बन गई। तो इस आयताकार सारणी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। अब जैसे यहां पे हमने लिखा कि mn यानी m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो इसी को डॉट डॉट यानी कि m स्तंभ बनाए तो a1n और फिर ये हो जाएगा a2n और ये हमारा आ जाएगा a3n।
और इसी प्रकार इसको अगर आगे और बढ़ा दें तो इसको लिखा जा सकता है यानी कि ए एम वन ए एम टू ए एम थ्री अप टू डॉट डॉट ए एम एन। अब देखिए इससे क्या क्लियर हो रहा है हमारा कि इस आयताकार सारणी में यानी इस आयताकार सारणी में कितनी पंक्तियां हो गई यम यानी कि वन पहली पंक्ति यानी रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ अप टू डॉट एम रो और फिर ये जो है कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू डॉट डॉट एन कॉलम यानी यन स्तंभ हो गए। अब देखिए जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसको आर वन से हम लोग डिनोट कर लेंगे यानी कि आर वन और ये हमारी हो जाएगी सेकेंड रो आर टू फिर इसी प्रकार आर थ्री अप टू डॉट डॉट बीच में फिर ये लास्ट यानी कौन सी हो जाएगी आर एम यानी कि जो भी रो होगी उसकी संख्या हम इस तरह सफिक्स में डिनोट कर लेंगे। अब इसके बाद फिर आता है कि आव्यूह के तत्व क्या होंगे सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे आव्यूह के तत्व आव्यूह के तत्व एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के तत्व के बारे में। अब देखिए यहां पे ये जो हमारे अभी ये बताएंगे A11, A12, A13 इसका मतलब क्या हुआ इसका भी एक रीजन है लेकिन अभी ये समझिए कि हमारा ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट चौथा एलिमेंट तो इस तरह से ये एलिमेंट है यानी कि इसमें जो एम पंक्तियां और यन स्तंभ हैं यानी कि ये पूरे तत्वों को ही हम लोग क्या बोलेंगे आव्यूह के तत्व बोलेंगे यानी कि आव्यूह के एलिमेंट बोलेंगे। अब इसके बाद फिर आएगा इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का क्रम या इसी को बोलते हैं आव्यूह का क्रम या कोड। ये एक नंबर में एक क्वेश्चन अभी के पूछ लिया जाता है कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी गई पूछा गया कि उसने बताइए कि ये किस क्रम या किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो देखिए एकदम सिंपल सी यानी कि सिंपल सा होगा पहचानने के लिए जैसे मान लेते हैं यहां पे हमें एक मैट्रिक्स ले लिया हमने मैट्रिक्स एक ले लिया 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 7 8 9। अब यहां पे आव्यूह का क्रम यानी कि आव्यूह की जो कोटि होगी वो कितनी होगी तो इसमें सबसे पहले देखिए कितनी पंक्तियां हैं यानी 1 2 3 यानी 3 पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं 3 हैं तो यानी कि ये आव्यूह किस क्रम का यानी किस ऑर्डर का होगा 3x3 क्रम का होगा यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 3x3 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आ जाएगा मैट्रिक्स का निरूपण कैसे करते हैं मैट्रिक्स का निरूपण आव्यूह का निरूपण। देखिए आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों A, B, C, D, up to ... से प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद
इसके बाद जब आएगा अब कि ये तो हो गया नोटेशन कि इससे हम लोग डिनोट करेंगे यानी कैपिटल लेटर से ए बी सी डी अप टू डॉट डॉट, और जो स्मॉल लेटर में ए बी सी होंगे वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे यानी कि मैट्रिक्स के अवयव कहलाएंगे। उसके बाद मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स के यानी अवयव के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को बड़े ब्रैकेट यानी ये जो आयताकार सारणी हमारी थी इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो ये हमारा बन जाता है मैट्रिक्स बन जाती है यानी ए इक्वल टू बड़े ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो रो और कॉलम थे इनको हम लोग रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अवयव का निरूपण यानी ये पूरी तरह से अवयव। इसके बाद फिर किसी किसी बुक में इस अवयव को निरूपित करने का दूसरी तरह भी निरूपित करते हैं यानी कि जैसे मान लीजिए हमने a इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आयताकार सारणी बन गई कि नहीं, तो चाहे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें या फिर इसी को हम लोग छोटे ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंटों को रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये भी इसका एक निरूपण हो जाएगा। या फिर इसका एक और नोटेशन है कि इन्हीं एलिमेंटों को ये दो पैरेलल लाइन के अंदर यानी इस तरह भी इसका एक नोटेशन होता है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यानी कि हम मैट्रिक्स को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बुक में अधिकतर बुकों में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखा गया है लेकिन अगर इस टाइप का भी आपको मिलता है कहीं पर लिखा हुआ तो ये मैट्रिक्स का ही साइन होता है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में भी रख देंगे। तो ये था कि अवयव का निरूपण यानी कि अवयव को हम लोग तीन तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बुक में तो हमने बताया कि अधिकतर बुकों में इस टाइप यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंटों को रखा जाता है लेकिन अगर इस टाइप से लिखा भी हुआ है तब भी समझ लीजिएगा आप लोग कि ये मैट्रिक्स का ही नोटेशन है और ये भी मैट्रिक्स का ही नोटेशन है। अब ये तो बात हो गई कि अवयव का निरूपण क्या है और उसके बाद फिर अवयव के एलिमेंट क्या होते हैं किस कोटि की यानी कि अवयव का अगर कोटि पहचानना है तो आप लोग अच्छे से पहचान लेंगे यानी कि अवयव की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा कि उसमें कितने रो यानी कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो जैसे मान लीजिए एक बार फिर से आप लोग क्लियर करवा देते हैं कि एक हम मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स जैसे ले लिया हमने कि ये है मैट्रिक्स सपोज कर लिया यहाँ पे 4 3 0 1 0 -1 2 -2 0 ये एक मैट्रिक्स लिखी गई है और पूछा जाए कि बताइए ये मैट्रिक्स किस कोटि की है यानी कि ये जो अवयव है इक्वल टू इतना ये किस कोटि का अवयव है ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद यहां पे सबसे पहले आप लोग काउंट कीजिएगा कि कितनी रो है तो इस मैट्रिक्स में ये हो जाएगी फर्स्ट रो R1 सेकेंड रो R2 और ये थर्ड रो R3। इसके बाद ये जो है ये हमारे कॉलम होते हैं कॉलम यानी C तो C1 फर्स्ट कॉलम C1 सेकेंड कॉलम है इसलिए C2 और ये थर्ड कॉलम हो जाएगा तो इसको C3 से डिनोट करेंगे। तो यानी कि इसमें हमने देखा कि कितनी रो है कितनी पंक्तियां हैं 3 और कॉलम कितने हैं 3 तो ये जो मैट्रिक्स होगी 3 × 3 यानी 3 × 3 कोटि का अवयव है यानी दिस मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स है वो 3 × 3 ऑर्डर की होगी।
तो आप देखिए कभी कभी ये हो जाता है कि आप लोग गलती करते, सपोज है कि यहाँ पे तीन ही कॉलम है और तीन ही पंक्तियां हैं, तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति, अगर आर्डर दिखाना है तो सबसे पहले पंक्ति इंटू फिर स्तंभ लिखेंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों ने गलती कर दिया कि स्तंभ पहले लिख दिया, स्तंभ की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखिएगा कि जब भी कोटि निकालेंगे कि तब उसमें पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप व्यू के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कितने टाइप के होते हैं मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। तो देखिए जो आव्यूह होते हैं, सबसे पहला यहां पे आ जाएगा आव्यूह फर्स्ट, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह की डिफिनेशन क्या होगी, यानी कि जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ठीक है, तो इसमें यानी कि आव्यूह के जो प्रकार में पहला पॉइंट है कि क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा आप लोगों को नहीं रखना है, जैसे यहां पर हम एक लाइन केवल लिखेंगे कि क्षैतिज आव्यूह के बारे में, यानी कि पंक्तियों की संख्या इज लेस देन दी स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब देखिए इसकी डिफिनेशन, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे ही क्या बोला जाता है, क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहां पे मान लिया a इक्वल टू कुछ भी, कोई भी एलिमेंट ले लें, 7, 3, 0, 1, -1, -2। अब इसमें देखिएगा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, 2, यानी दो पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं, 3। यानी स्तंभ सॉरी पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। अतः यह कैसा आव्यूह होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा। तो एक लाइन की डिफिनेशन की ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। इसके बाद फिर दूसरा आव्यूह आ जाता है, दूसरा ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब देखिए यहां पे जस्ट इसका, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स, इसी का जस्ट अपोजिट यहां पे फिर एक लाइन लिखेंगे, डिफिनीशन बिल्कुल समझ में आ जाएगी, यानी कि पंक्तियों की संख्या इज ग्रेटर देन दी क्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ही क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। एक इसका एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कोई इसी प्रकार, जैसे मान लिया यहां पे b इक्वल टू ए बी यहां पे, और इसके बाद यहां पे ले लिया सी डी ई एफ, कोई भी एलिमेंट ले लें। तो आप देखिए यहां पे कितने रो हो गए, यानी कितनी पंक्तियां हो गई, R1, R2, R3, यानी तीन पंक्तियां हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं, दो, तो जो कि पंक्तियों की संख्या से क्या है, कम है। अतः यह कैसा आव्यूह होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट अब आता है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, तीसरा थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अब देखिए
एकदम आसान सा, यानी कि वर्ग में आप लोग जानते हैं ना कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसी प्रकार ये जो हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें, यानी स्तंभ और पंक्ति, यानी रो एंड कॉलम होते हैं। तो वर्ग आव्यूह क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। उसे वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने मान लिया A इक्वल टू सपोज कर लिया 0, -3, 3, 1, 2, -4, -4, 5, -6। अब इसमें देखिएगा कि कितनी पंक्तियां हैं, 3, और स्तंभ भी कितने हैं, 3। तो इसलिए यानी कि स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, यानी वर्ग आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आव्यूह आ जाएगा मुख्य विकर्ण, फोर्थ। मुख्य विकर्ण के बारे में जानेंगे हम लोग कि आव्यूह में मुख्य विकर्ण क्या होता है। जैसे यहां पे मुख्य विकर्ण यानी कि आव्यूह में मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होगा, देखिए एक आव्यूह हमने लेट कर लिया A11, A12, A13, A21, A22, A21, A31, इसके बाद A32, A33। ये एक हमने ले लिया क्या आव्यूह ले लिया। अब यहीं पे आप लोगों को बताएंगे कि ये जो 11, 12, 13, 21, 22, 23 यानी ये जो लिखे जाते हैं सफिक्स में ये क्या है। तो ये जो चीज है, जैसे A11 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो A11 है ये पहली रो, यानी ये जो चीज 11 लिखा हुआ यहां पे A11, तो ये जो चीज होती है पहली, ये किसको शो करता है, पंक्तियों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और जो ये दूसरा वाला वन है ये किसको प्रदर्शित करता है, स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब ये हो गया A11 कि जो A11 है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट हुआ। फिर इसके बाद देखिए A12 का मतलब क्या हुआ, A12 का मतलब अब ये रो क्या है, पहली ही रो है, तो यानी कि A12 इसका मतलब ये हुआ ये पहली रो और 2 लिखा है यानी कि दूसरे स्तंभ का एलिमेंट हुआ A13। तो A13 यानी पहली रो और तीसरे कॉलम का ये यानी स्तंभ का ये एलिमेंट होगा। तो आप इसका मतलब समझ गए ना कि A11, A12, A13 ये क्या है। इसी प्रकार अगर जैसे हम पूछ लें आप लोगों से कि A33 का मतलब क्या हुआ, A33 का मतलब हुआ कि ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट होगा, क्लियर। अब इसके बाद फिर हम लोग आते हैं मेन पॉइंट हमारा था मुख्य विकर्ण क्या होता है, यानी कि मेन डायगोनल क्या होगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए दो साइड यानी लेफ्ट और राइट है, तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ और राइट साइड में सबसे नीचे का जो एलिमेंट है क्या है, A33 है। इसके एलिमेंटों को यानी कि ये जो एलिमेंट है ये वाले
इसी को बोला जाता है मुख्य विकर्ण, कहा जाता है। यानी कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या जाएंगे, A11, A22, A33। दूसरा एक चीज और है इससे पहचानने का तरीका, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट अगर कहा जाए कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट वे एलिमेंट कहलाते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वे एलिमेंट ही मुख्य विकर्ण यानी कि मेन डायगोनल कहलाता है। तो यहाँ पे A11, A22, A33 ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होंगे। इसके बाद भी नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आते हैं, पंक्ति आव्यूह। अगला हो जाएगा पंक्ति आव्यूह, और पंक्ति आव्यूह को पंक्ति अदिश भी बोलते हैं, पंक्ति सदिश भी बोलते हैं। अगला ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या है, रो यानी कि पंक्ति, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। नाम से स्पष्ट है कि पंक्ति आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लिया A=, यहां पे 1, 4, -5। अब इसमें देखिएगा आप लोग कि कितनी पंक्तियां हैं, केवल एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। अब इसी प्रकार जरा बताइए आप लोग कि अगर हम कहते स्तंभ आव्यूह की परिभाषा क्या होगी, स्तंभ आव्यूह की परिभाषा यानी सिक्स टाइप हो जाएगा, छठवां स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम डिफिनेशन, लेकिन ये स्तंभ आव्यूह है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो स्तंभ आव्यूह की डिफिनेशन होगी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया यहां पे B=ABC, ABC। अब देखिए कितने यहां पे स्तंभ है, एक ही, तो ये किस आव्यूह का उदाहरण हो जाएगा, स्तंभ आव्यूह का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद फिर शून्य आव्यूह, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शून्य आव्यूह यानी कि नल मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, यानी जिसके सभी तत्व, सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे आव्यूह को हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं, नल मैट्रिक्स।
जैसे एग्जाम्पल इसका ले लें, जैसे मान लिया a इक्वल टू यहां पे 0 0 0 0 0 0 0। अब यहां पे देखिएगा आप लोग कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं क्या हो गए, सभी शून्य हो गए। तो ऐसे आद्वियों को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य आद्वी यानी नल मैट्रिक्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, यानी ये सेवन टाइप था, एफ टाइप यानी आठवां प्रकार आएगा इकाई आद्वियों, इकाई आद्वियों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, यानी कि ऐसा वर्ग आद्व्यूह, ऐसा वर्ग आद्व्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, इकाई हो, मतलब वन वन हो सारे एलिमेंट, और बाकी सभी एलिमेंट सभी अवयव क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग इकाई आद्व्यूह कहते हैं। और इकाई आद्व्यूह को आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, ऐसा वर्ग आद्व्यूह, ऐसा वर्ग आद्व्यूह, वर्ग आद्व्यूह जिसके जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, इकाई का मतलब क्या हो, वन, यानी सभी अवयव वन हो तथा शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो उसे ही इकाई आद्व्यूह कहा जाता है, इकाई आद्व्यूह कहा जाता है, या उसे ही इकाई आद्व्यूह कहते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल ले लें तो अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी इकाई आद्व्यूह का फॉर एग्जांपल a इक्वल टू हमने ले लिया यहां पे 1 0 0, फिर इसके बाद 0 1 0 0 0 1। तो अब आप लोगों ने देखा कि जो मुख्य विकर्ण है, यानी कि यहां पे ये मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो क्या है, इकाई ही है, यानी वन वन ही है, और बाकी सभी एलिमेंट क्या है, सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है। तो ये क्या होगा, इकाई आद्व्यूह होगा। और हमने बताया था इकाई आद्व्यूह को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इकाई आद्व्यूह। और इसी का एक दूसरा नाम है, इकाई आद्व्यूह को तत्समक आद्व्यूह भी कहते हैं, इसे इसे तत्समक तत्समक आद्व्यूह भी कहते हैं। अगर तत्समक आद्व्यूह के बारे में आ जाए तो यानी जो इकाई आद्व्यूह होता है हमारा वही क्या कहलाता है, यानी कि इकाई आद्व्यूह ही तत्समक आद्व्यूह कहलाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आएंगे, हमारा अगला होगा नौवां टाइप हो जाएगा हमारा विकर्ण आद्व्यूह, विकर्ण आद्व्यूह, विकर्ण आद्व्यूह के बारे में नाइन पार्ट होगा, यानी कि विकर्ण आद्व्यूह, विकर्ण आद्व्यूह, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल यानी अभी बताया ही था कि विकर्ण क्या है, ये है। अब इसमें दो विकर्ण होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला विकर्ण, एक ये भी तो विकर्ण होता है, लेकिन मुख्य विकर्ण, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण की, यानी कि यहां पे था कि जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे ही हम लोग मुख्य विकर्ण बोलते हैं। लेकिन विकर्ण आद्व्यूह की परिभाषा हो जाएगी किसी वर्ग आद्व्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, यानी मुख्य जो विकर्ण है
इसके तत्वों को छोड़कर सभी तत्व अगर शून्य हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए इसका तो समझ में आएगा। जैसे मान लिया यहां पे हमने यहां पे ले लिया 4 0 0 0 4 0 और ये हो गया हमारा 0 0 4। अब यानी कि मुख विकर्ण क्या है हमारा, ये है मुख विकर्ण। तो इसकी डिफिनीशन क्या आ जाएगी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख विकर्ण को छोड़ करके यानी जो ऊपर के एलिमेंट है और नीचे के एलिमेंट है ये सभी क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अब देखिए यहां पे आप लोग ये बात ये याद रखना कि अगर 1-1 एलिमेंट हो जाएंगे, ये 1-1-1 हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इकाई आव्यूह हो जाएगा। यानी 1 ना हो करके कोई दूसरे एलिमेंट हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4-4 लिखा है या 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ये कर लें। तो देखिए 4 3 8 तो ये कैसा आव्यूह हो जाएगा हमारा, विकर्ण। और जैसे ही 1-1 ये एलिमेंट हो जाएंगे वो इकाई आव्यूह हो जाएगा। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखना क्योंकि इकाई आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में गलती हो जाती है कि नीचे और ऊपर के एलिमेंट तो शून्य होते हैं लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें एलिमेंट अलग अलग होंगे, इकाई आव्यूह में एलिमेंट क्या होंगे, सभी इकाई होंगे यानी सभी एलिमेंट 1-1 होंगे। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं अदिश आव्यूह, दसवां है, दसवां और लास्ट अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इन्हीं तीनों आव्यूहों में कंफ्यूजन रहती है तो इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। देखिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, परिभाषा बाद में बताएंगे। देखिए जैसे यहां पे हमने ले लिया एक वर्ग आव्यूह, सपोज कर लिया कि ए 0 0 0 ए और ये क्या हो गया 0 फिर 0 0 ए। अब इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें भी मुख विकर्ण पर एलिमेंट है, मुख विकर्ण पर क्या है, एलिमेंट है, बाकी मुख विकर्ण के ऊपर और मुख विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है। लेकिन एक चीज ये क्लियर हो रहा है इससे और इसमें डिफरेंट क्या है, यहां पे एलिमेंट अलग अलग थे, यहां पे एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ऐसे ऐसे आव्यूह को हम लोग अदिश आव्यूह कहेंगे। यानी अदिश आव्यूह की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट समान हो, बाकी ऊपर या फिर बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाता है। तो ये था आव्यूह के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं कि कितने टाइप थे। तो सबसे पहला टाइप था कि क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या इज लेस देन दी स्तंभों की संख्या। उसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या किससे, स्तंभों की संख्या से बड़ी हो, ऐसे आव्यूह को हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। उसके बाद फिर वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, उसे ही बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसके बाद फिर मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण हो जाएगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें जिसमें बाईं तरफ के सबसे ऊपरी और दाहिनी तरफ के सबसे अंतिम एलिमेंट को इस तरह से मिला देने पर जो यानी ये जो विकर्ण होगा इसके एलिमेंटों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण बोलेंगे। इसके बाद पंक्ति आव्यूह अगला हो जाएगा। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। फिर इसके बाद शून्य आव्यूह था अगला पॉइंट, यानी ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट आल एलिमेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसे आव्यूह को हम लोग शून्य आव्यूह कहेंगे। फिर इसके बाद इकाई आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह या इकाई आव्यूह को तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट इकाई हो, मतलब 1 एलिमेंट हो, तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह या
तत्समक आठ ध्रुव बोलते हैं, ये लिखा हुआ है और इसका ये एग्जाम्पल। फिर इसके बाद आ जाएगा विकर्ण आद्यू। विकर्ण आद्यू की परिभाषा ये है लिखी हुई, ऐसा आद्यू जिसमें मुख्य विकर्ण पर एलिमेंट हो, बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, ऐसे आद्यू को विकर्ण आद्यू कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अतिश आद्यू, ऐसा वर्ग आद्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान हो, बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, ऐसे आद्यूहों को क्या बोलते हैं, अदिश आद्यू कहा जाता है। फिर इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट, दो आद्यू समान कब होंगे, यानी दो आद्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आद्यूहों की समानता के बारे में अब जानेंगे कि दो आद्यूह बराबर कब होंगे। आद्यूहों की समानता, आद्यूहों की समानता, आद्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए दो आद्यूह समान कब होंगे, जैसे हमने मान लिया कि माना दो आद्यूह, माना दो आद्यूह ए और बी हैं, माना दो आद्यूह ए और बी हैं, जैसे यहां हमने बताया कि माना दो आद्यूह ए और बी हैं, तो दो आद्यूह समान कब होंगे, तो ए और आद्यूह ए और बी समान होंगे, समान होंगे यदि आद्यूह ए का क्रम, यदि आद्यूह ए का क्रम, क्रम मतलब कोड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आद्यूह बी के क्रम के समान हो। मतलब यहां भी ये हुआ कि दो आद्यूह अगर दिए गए ए और बी, तो वे दोनों तभी समान होंगे जब आद्यूह ए का क्रम आद्यूह बी के क्रम के बराबर हो, तभी वो दोनों समान होंगे। फिर इसके बाद दूसरा इसी में पॉइंट आएगा कि अगर दो आद्यूह समान हैं, तो उनके जो संगत एलिमेंट होंगे वे भी समान होने चाहिए, यानी आद्यूह, दूसरा पॉइंट इसी में समान होने के लिए, आद्यूह ए का संगत आद्यूह, संगत अवयव आद्यू बी के संगत अवयव, यानी कि अगर दो आद्यू समान है तो ए का जो संगत अवयव है, संगत का मतलब उसी आर्डर का, जहां पे जैसे पहला एलिमेंट लेंगे तो बी वाले का भी पहला एलिमेंट उस संगत एलिमेंट के क्या हो, संगत अवयव के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी वो दोनों समान होंगे। अब जैसे मान लेते हैं यहां पे एग्जांपल, जैसे हमने मान लिया कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 ये है, और बी इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप सबसे पहले यहां पे चेक करेंगे कि देखिए क्या दोनों का आर्डर सेम है कि नहीं, जो मैट्रिक्स ए दी गई है इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर है 2x2, यानी इसमें दो पंक्ति और दो ही स्तंभ है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है यानी आद्यूह है वो भी 2x2 यानी 2x2 क्रम का आद्यूह है। तो पहला पॉइंट यानी समानता के लिए ये हो गया। उसके बाद अगर ये समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो संगत एलिमेंट, यानी इसका जो पहला एलिमेंट 1 है, तो क्या देखिए इसका भी एलिमेंट 1 है, तो है। यहां पे दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका भी दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है। फिर इसी प्रकार इसका 3 है, इसका भी 3 है, और ये क्या है, 4 है, और ये भी 4 है। देन यानी तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, यानी अतः मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या होंगे, समान होंगे।
अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और आप लोगों को बताते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। जैसे कहा जाए कि ये एक आरजू है यहाँ पे 3, 4, x, 8 और फिर इक्वल टू मैट्रिक्स 7, 3, 7, y और यहां पे ले लिया 3 और यहां पे ले लिया z। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि यदि आप यू 3, 4, x, 8, 7, y, 3, z है तो x का मान y तथा z का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे सलूशन में जब आएंगे, सलूशन में तो दोनों आव्यूह क्या है, समान है कि नहीं, यानी कि दोनों आव्यूह क्या है, बराबर है, यानी 3, 4, x, 8 इक्वल टू 7, y, 3, z। और आव्यूहों की समानता में हमने बताया था कि दो आव्यूह अगर समान है तो उनके जो संगत एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे x फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ये एलिमेंट x है और इधर दूसरे वाले आव्यूह का एलिमेंट क्या है, 3। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए दूसरे मैट्रिक्स का ये एलिमेंट y है और पहले वाले मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कितना है, 4, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार यहाँ पे z है और यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 8, तो यानी कि z इक्वल टू क्या आएगा, 8। तो इस प्रकार से हम लोग x, y, z के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो आव्यूह समान है तो आव्यूहों की समानता के नियम से एक्स वाई जेड का मान आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद फिर आते हैं आव्यूह, दो आव्यूहों का गुणनफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये समझ लीजिए अगर आव्यूहों का गुणनफल नहीं आया तो इसका जो लाभ होगा वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे आप लोग को कि आव्यूहों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। आव्यूहों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पे दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना दो आव्यूह a इक्वल टू 1, 2, 1, 3, -1, कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट, -2, 0, 1, फिर यहां पे ले लिया हमने -3, -1, +1। और इसके बाद ये दूसरा मैट्रिक्स है b इक्वल टू 0, 1, 3, 4, -4, 3, -3, -1, -2, यानी कि ये ले लिया हमने मैट्रिक्स। अब यहां पे इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि गुणनफल क्या करना है, हमें निकालना है। तो दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले एक पॉइंट तो ये याद रखना है हमें कि दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा। अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि दो आव्यूह दे दिए गए और कहा जाए कि बताइए क्या ये गुणनफल संभव है कि नहीं, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता कि नहीं। तो उसके लिए आप लोग ये पॉइंट याद रखना कि आव्यूह जो ए है हमारा, आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बराबर
बराबर आप व्यू बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी कि दो आद्व्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जब आद्व्यूह ए में स्तंभों की संख्या आद्व्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए, तो दो आद्व्यूहों का गुणनफल पॉसिबल होगा। अदरवाइज अगर बराबर नहीं है तो दो आद्व्यूहों का गुणनफल पॉसिबल नहीं होगा, यानी उन आद्व्यूहों को हम लोग गुणा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि आद्व्यूह ए में कितने स्तंभ हैं। स्तंभ है यहाँ पे 3। फिर आद्व्यूह बी में देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं, इसमें पंक्तियां कितनी हैं 3। अर्थात दोनों बराबर हैं, इसलिए ये गुणनफल संभव होगा। तो इसको आप लोग एक नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि दो आद्व्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जब आद्व्यूह ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो जाए, आद्व्यूह बी में पंक्तियों के संख्या के बराबर हो, तभी दो आद्व्यूहों का गुणनफल संभव होगा। अब आते हैं हम लोग गुणनफल पे, कैसे हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पे ए बी यानी ए गुणे बी, तो 1 एलिमेंट है 3, -1 -2 0, 1 -3 -1 1, फिर इसके बाद इनटू दूसरा आद्व्यूह है हमारा 0 1 3 4 -4 3 -3 -1 -2। अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि जिससे आप लोग उसका गुणा करना नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी रो है, 3 3 रो है, यानी R1 R2 R3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इस तरह पहले आप लोग एरो लगा लीजिएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके यानी जो आद्व्यूह ए का आद्व्यूह ए की पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ। तो यहां पे गुणा करते हैं, पहला एलिमेंट यानी इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 0 करेंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे इसी में 3 × 4 3 × 4, इसको 3.4 मत समझना, यानी इंटू है यहाँ पे इंटू 3 × 4, फिर प्लस यानी -1 का इस वाले एलिमेंट के साथ करेंगे -1 × -3, क्लियर। इसके बाद फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 1 प्लस फिर 3 × 3 × -4, फिर प्लस तीसरा जो एलिमेंट है तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 × -1। इसी प्रकार इसी रो का तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 × 3, फिर इसके बाद प्लस 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 3, फिर इसके बाद -1 का प्लस -1 × -2, फिर अब ये हो गया। इसके बाद फिर दूसरी रो लेते हैं, दूसरी रो लेंगे और तीनों फिर कॉलमों में हम लोग मल्टीप्लाई करके इसी तरह लिखेंगे, फिर तीसरी रो लेंगे, तीसरी रो में इसका मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे, इस वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, और इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी दो आद्व्यूहों का गुणनफल। तो चलिए आगे करते हैं, -2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 0, ये हो गया प्लस, फिर 0 का 4 के साथ करेंगे यह आ जाएगा 0 × 4, फिर 1 का किसके साथ -3 के साथ यह गया, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 1 प्लस, फिर इस 0 का इसके साथ होगा तो 0 × -4 प्लस, फिर तीसरे एलिमेंट का इस तीसरे एलिमेंट के साथ आएगा 1 × -1,
फिर इसी रो का तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ -2 × 3, फिर इसके बाद जीरो का यानी दूसरा एलिमेंट है दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन लगाने के बाद 0 × 3 प्लस, फिर आएगा 1 × -2, 1 × -2, फिर इसके बाद तीसरी रो, अब तीसरी रो का इन तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीसरी रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 × 0, प्लस साइन लगाएंगे -1 × 4, फिर इसके बाद आएगा 1 प्लस का यानी 1 × तीसरा एलिमेंट है -3, ये हो गया। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 1 प्लस -1 × -4 प्लस इसके बाद हो जाएगा फिर कितना -1 × -1। इसी कॉलम का तीसरी, इसी रो का तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -3 × 3। इसके बाद -1 का फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -1 × 3 और फिर प्लस लास्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 1 × -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस यही हो जाएगा हमारा दो आव्यूहों का प्रोडक्ट। तो यहां पे आ जाएगा AB = देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 × 0 करेंगे 0 0 + 3 4 = 12, फिर इसके बाद है -1 × -3 यानी प्लस का 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद -2 × 0 करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा यानी 0 + 0 और फिर आगे -3 का 1 के साथ -3, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ यानी कि ये 0 - 4 - 3, फिर दूसरे कॉलम में आते हैं 1 × 1 करेंगे कितना आता है 1, फिर आ जाएगा माइनस ये -4 का 3 के साथ हो जाएगा -12, फिर इसके बाद -1 - 1 यानी +1, फिर दूसरे पे आते हैं -2 × 1 करेंगे -2 × 1 करेंगे -2, फिर आगे ये हो जाएगा 0 + 0, फिर आगे -1, फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3, फिर आएगा -(-)+4 × 4, फिर आगे आ जाएगा -1, इसके बाद 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर इसके बाद हो जाएगा -1 - 2 यानी कि +2, फिर आगे आते हैं हम लोग यानी 2 × 3 = 6 -6, फिर आगे 0 हो जाएगा और -2, नेक्स्ट 3 × 3 = -9, फिर इसके बाद -3 और ये -2, इसको ऐड और सबट्रैक्ट कर लेंगे, AB = ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12 + 3 यानी 15, फिर ये होगा -3 - 7 और ये हो जाएगा हमारा कितना -12 + 2 यानी कि -10, फिर ये होगा -3 और ये आ जाएगा देखिए यहाँ पे +4 - 4 यानी 0। तीसरे पे आते हैं 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, नेक्स्ट यानी -6 - 2 - 8, फिर आ जाएगा ये हमारा -3 - 9 - 3 - 2 यानी सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -14। तो इस प्रकार से AB यानी कि दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन आ गया, AB = 15 - 10 - 14 - 3 - 3 - 8 - 7 - 8 + 14, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग दो आव्यूहों का गुणनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा तो इसमें जो एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2
कि जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफिनेशन होगी उनके बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।